हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 8 जून ऑफ 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मैंने आपसे कल पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए नेदरलैंड की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं इसकी कैपिटल है एम्स्टरडम और अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो यूरो फॉलो करता है। अब आज के साथ आसपास की कंट्रीज देख सकते हैं जिसकी यहाँ पे जर्मनी नजर आ रहा है और बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है कि बताइए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसे बेसिकली कांडला पोर्ट भी कहा जाता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये लोकेटेड है गुजरात में। यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है और यहाँ पे जो हमेशा डिबेट रहती है कि क्या बिम्स्टैक जो है रिप्लेस कर सकता है सार को, उन सारी डिस्कशन को जो है हम यहाँ पे करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल एनबीएफसी की क्राइसिस से रिलेटेड है। एनबीएफसी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं और रिसेंटली जो है बहुत सारे क्राइसिस नजर आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज में। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों जो है यहाँ पे ऐसे क्राइसिस नजर आ रहे हैं, ये जो लिक्विडिटी क्रंच है इसका मतलब क्या होता है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर में जो आर्टिकल है यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मल जॉब्स की। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं ये फॉर्मल जॉब्स अगर यहाँ पे ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें सॉल्व की जा सकती है। अब फॉर्मल जॉब्स में क्या क्या चीज़ें आती है और क्यों इसे प्रमोट किया जा रहा है उसे हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है बता रहे हैं कि यूएस के रिलेशन जो है बाकी कंट्रीज के साथ कैसे चेंज हुए ओवर द पास्ट ईयर्स, तो उन्हें बेसिकली एनालाइज किया जा रहा है, तो मैं इसका ओवरव्यू दूंगा। नेक्स्ट पेज पे ये वाला जो आर्टिकल है वेलफेयर पॉलिसी रिलेटेड है। आप जानते हैं कि जो सरकार है इसने बहुत सारे जो स्कीम्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं जिसके पीएम किसान स्कीम हो सकती है, आयुष्मान भारत स्कीम हो सकती है, इतने सारे स्कीम्स है और इन सब का जो मैंडेट है वो ये है कि जो नॉर्मल जनता है उनका यहाँ पे जो है भला होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे इन सारे वेलफेयर स्कीम्स में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी स्कीम्स जो है ऑन पेपर काफी अच्छे लगते हैं लेकिन जब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की तो उसमें काफी सारे चैलेंजेस नजर आते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसे डिटरमाइन करते हैं, इसके यहाँ पर टेक्नोलॉजी को आप कैसे यूज कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी स्कीम एक्चुअली इंप्लीमेंट हो पाएगी या नहीं होगी। तो उसके पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं और कौन कौन सी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है इलेक्शन से रिलेटेड है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हमारा जब भी फोकस रहता है एम्प्लॉयमेंट पे तो हम लोग बात करते हैं यूजुअली स्किल डेवलपमेंट की, कैपिटल इन्वेस्ट करने की, लेकिन यूजुअली हम भूल जाते हैं लेबर इंटेंसिव जो जॉब्स भी जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी अगर बात करेंगे टेक्सटाइल या पे लेदर इंडस्ट्री तो इसमें जो है लेबर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इन पे जो हम फोकस कभी नहीं करते, जबकि हमारा जो पावर है वो यही है कि हमारे पास बहुत सारे लेबर जो है हर साल यहाँ पे आते हैं मार्केट में, तो हमें जो है लेबर इंटेंसिव जॉब्स पे भी फोकस करना चाहिए जो यूजुअली जो है हमारी सरकार इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं और उसके साथ साथ डेटा के साथ समझे हैं कि क्यों जो है लेबर इंटेंसिव जॉब्स पे भी जो है हमें फोकस करना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है मडागास्कर। तो मडागास्कर का जो आइलैंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी अगर कैपिटल की बात करते हैं तो वो है एंटेनानारिवो और आसपास जो यहाँ पे आपको छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, जिसकी मॉरिशस है, यहाँ पे रियूनियन है, फिर कोमोरोस है और यही जो है आपको अफ्रीकन कोस्ट नजर आएगा। और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो एक्चुअली मडागास्कर से यहाँ पास होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता हुआ। यहाँ पे अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो दो करेंसी यहाँ पे एक्चुअली यूज करते हैं, एक का नाम है यहाँ पे मलागासी अरायरी और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है बिम्स्टैक यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकता है सार को, क्या डिफिकल्टीज, क्या चैलेंजेस इवन बिम्स्टैक के सामने है, वो सब चीजों को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमारी फॉरेन पॉलिसी है कैसी। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने सारे नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज है उन्हें कैसे जो है हमें असिमिलेट करना है अपने नेशनल गोल्स के साथ। अब इसी वजह से जो हम यहाँ पे इवन बहुत बार कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल समिट भी होती है और कभी भी कभी मौका मिलता है कि यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट या कल्चरल टाइज को इम्प्रूव करना है, तो हम जो है कभी पीछे नहीं रहते हैं। अब उसी के संदर्भ में बोला जा रहा है कि रिसेंटली दो चीजें हुई हैं, एक तो ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ये गए हुए हैं कहां पे, मालदीव और श्रीलंका की विजिट पे, और उसी के साथ साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पे जयशंकर जी ये भी भूटान की विजिट पे गए हैं। तो ये जो पहली विजिट है उनकी वो भूटान में गई है जहां पे कोशिश कर रहे हैं कि भूटान के साथ हम रिलेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भूटान हमारा बेसिकली ऑल वेदर फ्रेंड है और इवन जो यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है उसमें जो है भूटान भी हमारे साथ यहाँ पे है। अब एक और बात हम बात करते हैं कि यहाँ पे जयशंकर जी ने बोला है कि जो अर्ली
हमारी जो लेगेसी रही है प्रेडिसेसर की, यानी कि सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से इंडिया इंडियन जो रहते हैं बाहर उनके लिए काफी ज्यादा काम किया है, उसी चीज को जहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि पहले देखा जाता था कि जब भी कोई इंडियन जो बाकी कंट्रीज में रहता है अगर वो डिस्ट्रेस्ड है तो अगर वो यहाँ पे किसी एम्बेसी या कंसल्टेंट्स में जाता था तो उसकी इतनी हेल्प नहीं हो पाती थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जितना काम किया गया है उस हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ पे एम्बेसीज काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गई है और इंडियन जो अब्रॉड में रह रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है सेफ यहाँ पे फील करते हैं। बात करते हैं इस पॉइंट पे कि बे ऑफ बंगाल का जो पूरा रीजन है, स्पेसिफिकली बिम्स्टेक फोरम की अगर हम बात करते हैं तो इतना प्रोमिनेंट क्यों बन जाता है। अब यहाँ पे अगर बिम्स्टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी कंट्रीज नजर आएगी, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड है। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन नजर आएगा यहाँ पे साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे आपको नजर आएगी जो कि पूरे वर्ल्ड की 22% है। उसके साथ जीडीपी की बात करते हैं 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की यहाँ पे जीडीपी कंबाइन होती है इन सारी कंट्रीज की। और यहाँ पे सेक्रेटरीट की बात करते हैं वो ढाका में नजर आएगा जो कि बांग्लादेश में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा ओवरऑल एम ये है कि यहाँ पे जो है जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में कॉपरेशन कर सके अलग अलग सेक्टर्स में, तो यही उसका बेसिकली एम है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बाकी कंट्रीज जो यहाँ पे बिम्स्टेक में है वो एक्चुअली इस फोरम को देखती कैसी है। अगर हम बांग्लादेश के साथ शुरू करते हैं तो बांग्लादेश को काफी इंपॉर्टेंट था कि वो जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके इस पूरे एरिया में, तो इसके लिए बिम्स्टेक उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया तो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी को यूज करता है, उसके साथ एक्टिव पॉलिसी हमारी, तो दोनों को जो है बूस्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर फोरम काफी अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम बात करते हैं म्यांमार और थाईलैंड की जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, अब इनका क्या फायदा होगा कि अगर इनको बहुत बड़ा यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट मिल जाएगा और ये अपने रिलेशन बढ़ा सकते हैं इंडिया के साथ भी, तो इसी वजह से जो बिम्स्टेक में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के पास काफी अच्छा फोरम है ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अगर बात करते हैं नेपाल और भूटान की, आप इवन मैप पे देख सकते हैं ये कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्रीज है नेपाल और भूटान, तो इनको बेसिकली जो है एक्सेस मिल जाएगा मार्केट को अगर ये जो है बिम्स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि बाकी कंट्रीज का क्या यहाँ पे फायदा हो सकता है अगर वो बिम्स्टेक में कोलैबोरेट करते हैं। तो बात करते हैं कि इंडिया को क्यों इंटरेस्ट आ रहा है इस फोरम पे और कैसे जो है ये फायदा देने वाला है। सबसे पहला रीजन हम बिम्स्टेक पे इसलिए भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि सार्क यानी कि जो यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन व रीजनल कॉपरेशन है ये बिल्कुल ही ठंडे अवस्थे में जा चुका था। अब यहाँ पे क्योंकि वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना था, इसी वजह से हमने यहाँ पे बिम्स्टेक पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। अगली बात करते हैं कि अगर हमें एज अ कंट्री यहाँ पे डेवलप होना है हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे आसपास के जो नेबर है वो भी जो है यहाँ पे काफी स्टेबल है, यहाँ पे कोई सिविल वॉर वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आना चाहिए ताकि जो उनका जो यहाँ पे इफेक्ट वो हमारी कंट्री में भी ना आए। तो इसी वजह से जो है एक स्टेबल नेबरहुड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बिम्स्टेक जो है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो बिम्स्टेक की बात है वो ये है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जो है कनेक्ट करने में एक लिंक की तरह काम करता है। तो ये जो कुछ 3 रीजन है जिस वजह से जो है हम बिम्स्टेक के ऊपर काफी ज्यादा होपफुल रहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक की, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और सेक्टर्स है जिसमें हम काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। एक यहाँ पे अग्रीमेंट है जिसका नाम है कोस्टल अग्रीमेंट, उसके साथ साथ मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है और यहाँ पे सबसे बड़ा और फेमस है यहाँ पे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पूरा जो हमारा एक्टिव पॉलिसी उसे बूस्ट देने के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बाकी साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो कलादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये भी जो है बिम्स्टेक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे IMT यहाँ पे जो ट्राइलैटरल हाईवे जिसके अंदर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं, उसके साथ अगर हम यहाँ पे कल्चरल टाइज की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट की, तो हम यहाँ पे बोधी पर्व और यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे रिलीजियस और जो हमारे कल्चरल सेंटिमेंट्स है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो सके। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एनर्जी कॉपरेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो पॉलिटिकल अरीना है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल रीजन में उसे भी जो है कंसोलिडेट किया जा सके। अब बात करते हैं कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या सच में बिम्स्टेक जो है रिप्लेस कर सकता है सार्क को। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ऑफकोर्स कर सकता है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सार्क एज अ पर्टिकुलर फोरम काफी ज्यादा फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एम था कि म्यूचुअल ट्रस्ट यहाँ पे जो इंक्रीज करना है जो कि वो नहीं कर पाया था। उसके साथ साथ यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि सार्क जो है इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाया ताकि जो रीजनल कॉपरेशन को मेंटेन कर सके। अब क्योंकि सार्क फेल हुआ है हो सकता है कि बिम्स्टेक जो है यहाँ पे काफी अच्छे से काम कर सकता है। उसके साथ साथ जो है सार्क में जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिले थे जब ने यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था। उसके साथ साथ मोटर व्हीकल अग्रीमेंट में भी जो है काफी ऑब्जेक्शन देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो है सार कंप्लीटली जो है नॉन फंक्शनल हो चुका है। तो बेसिकली बिम्स्टेक अच्छा है इसे बताने के लिए आर्ग्यूमेंट्स ऐसे यूज किए जा रहे हैं कि सार ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है
बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सस्पिशन भी है विद इन द कंट्रीज, तो इसी वजह से कोलैबोरेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल देखने को मिलती है। और ओवरऑल यहाँ पे आप टेबल में डिफरेंसेस देख सकते हैं कि यहाँ पे सार्क और यहाँ पे बिम्स्टेक में क्या डिफरेंस है। सार्क में मेजर फोकस साउथ एशिया में रहता है, लेकिन यहाँ पे बिम्स्टेक जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया दोनों पे रहता है। एस्टैब्लिशमेंट की डेट अलग अलग है बेसिकली, जिसकी सार्क की बात करें तो 1985 में ये एस्टैब्लिश हुआ है और बिम्स्टेक 1997 में। और यहाँ पे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है ये आपको सार्क में ज्यादा नजर आते हैं और बिम्स्टेक में ऑलमोस्ट निल है वो। उसके बाद बात करते हैं इंडो पाकिस्तान की जो राइवलरी है ये आपको सार्क में काफी अच्छी तरह से नजर आएगी, लेकिन बिम्स्टैक में वो ऐसा नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं अगर आपको लगता है कि बिम्स्टैक जो है ये बेसिकली रामबान है, यहाँ पे जाके जो है सारी प्रॉब्लम जो हमारी है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, तो शायद आप थोड़े से गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सार्क में प्रॉब्लम दिखी थी वो सिमिलर जो प्रॉब्लम्स है आपको बिम्स्टैक में भी नजर आ सकती है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे जो बजट कंस्ट्रेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी यहाँ पे स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा तो लगने वाला है। तो बजट का जो ये कंस्ट्रेंट है ये आपको बिम्स्टैक में भी नजर आ सकता है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे अगर बात करेंगे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें जो है बहुत सारे बिम्स्टेक कंट्रीज भी अगर इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये बेसिकली बिम्स्टेक का जो पूरा रीजन है ये एक्चुअली नया बैटल ग्राउंड बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये काफी अच्छी बात नहीं है। और इसका जो इफेक्ट ये अभी इमीडिएटली भी देखने को मिला है जब यहाँ पे मिलेक्स 18 का जो यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ था उसमें नेपाल और थाईलैंड ने जो है मना कर दिया था यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि यहाँ पे काफी प्रेशर था चाइना की तरफ से। तो आपको समझ में आ गया है कि इवन बिम्स्टेक भी जो है यहाँ पे इसमें काफी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे वो फोकस करने वाले हैं। बेसिकली जयशंकर जी ने बोला है कि इन चीजों पे वो फोकस करने वाले हैं। पहली बात करेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो है उस पर फोकस करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं किसी और कंट्री के साथ, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डिले ना हो, यहाँ पे जो फंड्स की जरूरत होती है वो सारी जो चीजें हैं ये काफी अच्छे से मोबिलाइज किए जा सके। तो ये पहला पॉइंट रहेगा कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगली बात करते हैं यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो स्लोनेस आपको दिख रही है, रेड टेपिज्म अगर नजर आ रहा है, तो उन सबको जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट एम ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, अगर कोई यहाँ पे अगर आप चीज अचीव करना चाहते हैं बाकी कंट्री के साथ, तो उसे जो है काफी स्मूथ तरीके से होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे, तो उसे इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और हमें अपना यहाँ पे फंडा बिल्कुल पता है कि हमारा जो नेबरहुड पॉलिसी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा जो है प्रोमिनेंट रहेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक यहाँ पे कीवर्ड भी दिया जा रहा है कि एक अकेली कंट्री भले वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो जो है यहाँ पे जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं हर चीज को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वो भी इस टाइम पे जब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन देख रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में, तो काफी मुश्किल रहेगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री एज एन इंडिया जो है हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, यह काफी मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में जो है यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं एनबीएफसी के बारे में। तो हमने यहाँ पे कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है कैबिनेट कमेटी बनाई गई है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है, ग्रोथ पे कहाँ फोकस करना है, वो सारी चीजें जो है कैबिनेट डिस्कस करेगा। अब उसके पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एनबीएफसी में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, शायद जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा वीक हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो नॉन बैंकिंग यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये इवॉल्व कैसे हुई। तो सबसे पहले आपको पता है कि मनी लेंडर्स हुआ करते थे जो यहाँ पे जब भी पैसा देते थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखते थे। अब उसी वजह से बहुत सारे मनी लेंडर्स यहाँ पे रूरल एरियाज में आने लगे, तो उसके बाद यहाँ पे फिर धीरे धीरे चिटफंड कंपनीज आई, निधि कंपनीज आने लग गई। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो डिमांड काफी ज्यादा थी कि कौन जो है पैसा दे सकता है। उसी संदर्भ में हुआ ये कि एनबीएससी नाम की एक कंपनी जो है यहाँ पे रजिस्टर हुई अंडर कंपनी एक्ट ऑफ 1956। तो ये जो पूरी यहाँ पे पूरा जो इनका बिजनेस मॉडल है ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा रहता है कि ये जो लोन देते हैं शॉर्ट टर्म में और लोन उठाते भी हैं, और ये जितना पैसा आता है ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। एक आईएलएफसी का अगर एग्जांपल लेंगे तो ये जो है शॉर्ट टर्म में मार्केट से पैसे उठाते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पैसे उठाते थे, लेकिन ये सारा जो पैसा था ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते थे उसमें ये लगा देते थे। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती थी कि लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से जो पैसा रिटर्न आना होता था तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। इस वजह से प्रॉब्लम होती थी कि शॉर्ट टर्म लोन को कैसे पे करना है, तो इसी वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एनबीएफसी की, तो ये एंगेज करते हैं लोन्स और एडवांसेस में, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, हायर परचेजेस में, इन सब चीजों में जो है एनबीएफसी काम करते हैं। और ये बात याद रखना कि इसे बेसिकली रजिस्टर किया जाता है कंपनी एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत। अब बात करते हैं एनबीएफसी के बहुत सारे टाइप्स से। अगर बात करते हैं पहली जो अप्रोच हुआ करती थी तो ये इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, ऐसे यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी इसे असेट फाइनेंस, लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इस तरीके से जो है इसे कैटेगराइज किया जाता है।
अब बात करते हैं, यहाँ पे रिसेंटली हुआ ये है कि यहाँ पे DHFC यानी कि यहाँ पे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने भी जो है डिफॉल्ट किया अपने शॉर्ट टर्म लोन को पे करने में, जो चीज मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इनके बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनमें से जो इनको फायदा देखने को मिलता है, लेकिन इस वजह से ये शॉर्ट टर्म जो लोन उन्हें यहाँ पे जो है फाइनेंस नहीं कर पाते हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम ये भी नजर आता है कि इनके जो कमर्शियल पेपर्स है उस पर फिर डाउट होने लगता है, उनकी फिर यहाँ पे जो रेटिंग है वो रिड्यूस कर दी जाती है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे लेंड किया इन लोगों को पैसा, तो वो जो है काफी डाउटफुल हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो है मार्केट में इनके जो यहाँ पे प्रेजेंस है और उन पे जो यहाँ पे ट्रस्ट किया जाता था वो यहाँ पे धीरे धीरे जो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे आप जानते हैं पिछले साल से जब से IFC का क्राइसिस हुआ है तब से जो है NBFC को काफी शक की निगराहों से देखा जाता है और माना जाता है कि इनका जो यहाँ बिजनेस मॉडल है शायद थोड़ा सा यहाँ पे रिजिक करने की जरूरत है। इवन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि RBI जो है यहाँ पे स्पेशल बोरिंग विंडो बना सकता है ताकि जो है ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है उसे यहाँ पे सॉल्व किया सके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन 2008 में जब क्राइसिस हुआ था तब भी RBI ने अंडर सेक्शन 17 और 18 ऑफ RBI एक्ट जो है ऐसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड की थी, तो सेम चीज जो है एक्सपेक्ट की जा रही है इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। अगली बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीजें ये बेसिकली प्रीलिम्स में आ सकता है कि NBFC और नॉर्मल बैंक्स में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली जो है NBFC जो है बैंकिंग की तरह ही काम करता है लेकिन इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस होता नहीं है, और बैंक्स आप कैसे काम करते हैं वो तो आपको बताइए। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन किसके अंदर होता है। NBFC जैसे मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट के अंदर काम करता है, लेकिन बैंक्स वर्क करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ 1949 के अंतर्गत। यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता NBFC के अंदर, लेकिन बैंक्स तो ऑफकोर्स करते ही हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं पेमेंट सेटलमेंट की, तो यहाँ पे जो NBFC जो पैसा होता है तो वो बेसिकली पेमेंट सेटलमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई रिजर्व रेशियो नहीं है और यहाँ पे जो है कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं, मतलब आपका पैसा कहाँ गायब हो गया है क्या ये गवर्नमेंट आपको पे बैक करेगा, तो ऐसा कोई इंश्योरेंस भी जो है NBFC में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो सारी चीजें जो आपको नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नजर आती हैं। अब बात करते हैं कि NBFC को यहाँ पे समझने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उनके उनके बारे में इनफ डेटा भी तो होना चाहिए, और वो इनफ डेटा जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ कुछ NBFC काफी अच्छा काम कर रही हैं और कुछ जो है यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो शॉर्ट टर्म इन्होंने बोरोइंग की है उनको पे बैक नहीं कर पा रहे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सरकार के सामने ये आ जाती है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है इन दो NBFC के बीच में, जो अच्छे से काम कर रहे हैं और जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन हो सकता है कि इन सारे NBFC के जो है हम असेट क्वालिटी को रिव्यू करें, क्योंकि हर कंपनी की जो बेसिकली एक असेट होती है और लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पे उनकी असेट को अगर हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी NBFC अच्छे से काम कर रही है, तो ये बेसिकली एक रिकमेंडेशन दिया गया था। अब इससे फायदा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नजर आती है तो उसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं और यहाँ पे साउंड जजमेंट ले पाएंगे। अगली बात करते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या है यहाँ पे NBFC की, तो आप देख सकते हैं बैंक बोरोइंग है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग की जाती है, इवन इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग, कमर्शियल पेपर काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे मैंने कमर्शियल बोरोइंग के बारे में लिखा, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है आप यहाँ पे लोन लेते हैं। अगला यहाँ पे एक और आर्टिकल उसी बारे में आया हुआ है कि यहाँ पे जो है इतना इंपॉर्टेंट डेटा जो है NBFC से रिलेटेड वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हम कोई जो है साउंड डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसके साथ साथ बोला जा रहा है फाइनली कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है और बनाए रखना है तो हमें शायद जो है अपने रेगुलेशन जो है NBFC से रिलेटेड उन्हें यहाँ पे जो है रिजेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि इवन FRDI बिल को जो है उसे और ज्यादा जो है स्ट्रांग बनाने की जरूरत है और कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे बिलिंग क्लॉज में भी। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल आया था फ्रंट पेज में NBFC से रिलेटेड, तो उसमें हम और चीजों को डिस्कस करने वाले, जिसके यहाँ पे RBI का एक सर्कुलर आया था इंसॉल्वेंसी रिलेटेड उसको हटा दिया गया था, और यहाँ पे जो है टाइम टू टाइम RBI भी जो है रिकमेंडेशन करता है, तो उन्हें जो है हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पर जो आर्टिकल आया था उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मल जॉब्स की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ाने की जरूरत है, इवन जो है हमें फोकस करना चाहिए फॉर्मल जॉब्स पे। तो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे भगवत गीता से यहाँ पे एक लाइन लिखी है, व्हाट लाइज बिटवीन अस एंड द ग्रेटेस्ट गोल्स आर नॉट ऑब्स्टिकल बट द क्लियर पास टू द लेसर गोल्स। मतलब अगर हमें यहाँ पे अपने ग्रेटर गोल को जीतना है तो सबसे पहले अपने लेसर गोल्स को जीतना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेसर गोल का मतलब ये है जो मैंडेटरी है, जो पहला स्टेप होना चाहिए, उस तरीके से बोला जा रहा है कि जो जॉब्स है वो एक्चुअली लेसर गोल है कंपेयर टू वेजेस। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम बात करेंगे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो एम्प्लॉयड पॉवर्टी है, मतलब आपके पास जॉब तो है लेकिन आपकी वेज इतनी कम है कि आप उसे अपना जो दिनचर्या का काम है उसे भी जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इवन बोला जा रहा है कि आप जो किड्स आफ्टर 1991 है वो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली नहीं झेल पाएंगे, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि हमें जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है वो इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मल जॉब्स के साथ एक और चीज असिस्टेड आती है वो होती है सोशल सिक्योरिटीज, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि फॉर्मल जॉब्स को जो हमें यहाँ पे और ज्यादा जो है बूस्ट करना चाहिए।
अब बात करते हैं कि हमारा जो पूरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा फंडामेंटल्स है उसमें क्या चीजें हैं जो इश्यू बन के आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम। यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है हमारी कंट्री में, आप देख रहे हैं आईटी इंजीनियर्स, इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी लोग हैं उन सबको जॉब मिल जाते हैं कॉल सेंटर में, तो इसी वजह से जॉब में कोई इतनी बड़ी क्राइसिस नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई फार्मर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना एज अ फैक्ट्री वर्कर वो काफी बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी जो प्रॉब्लम है ये काफी बड़ी हमें नजर आती है हमारी कंट्री में। दूसरी बात करते हैं एमएसएमई को बूस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे फोकस होना चाहिए था स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, लेकिन हमने बहुत सारा डेटा देखा है जहाँ पे अभी जो एमएसएमई काफी ज्यादा जो है लोन उठाते हैं कहाँ से, एनबीएफसी से। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो एमएसएमई है इन पे और ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है। अगले यहाँ पे डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में 6.3 करोड़ एंटरप्राइजेस है, लेकिन उसमें से जो है ओनली 12 लाख जो है जीएसटी रजिस्ट्रेंस है। उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 12 लाख यहाँ पे पीएफ पेयर्स है, और उसके साथ साथ इतनी सारी कंपनीज है जिनका पेड अप कैपिटल जो है 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे 58,000 प्लस जो है यहाँ पे कंप्लाइंसेस को चेंज करने के बावजूद जो है लोग यहाँ पे जीएसटी के अंदर नहीं आते, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि शायद इसका एक रीजन ये भी है कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे हमें सच में जो है ऑन द ग्राउंड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे भी इंप्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मिनिस्ट्री जिनके साथ आपको डील करना है उसे रिड्यूस कीजिए, उसके साथ साथ जो आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं वो काफी ईजी होना चाहिए, काफी बेसिक चीजों को डिमांड करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्सल एंटरप्राइज नंबर और वन लेबर कोड की बात करें, ताकि जो है हम लेबर रिफॉर्म्स की हम बार बार बात करते हैं लेकिन यहाँ पे लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके लिए एक एक नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते, जिस तरीके से आधार वर्क करता है उसी तरीके से यहाँ पे एक भूधार होता है फॉर लैंड के लिए, उसी तरीके से लेबर के लिए भी यहाँ पे एक नंबर हम दे सकते हैं। उसके बाद ज्यादा चीजें जो कैशलेस करेंगे, यहाँ पे हर चीज को वेबसाइट पे लेकर आएंगे, तो काफी ज्यादा जो आसानी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारी कंट्री में वो होता है लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लेबर्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, लेकिन उसमें एक यहाँ पे एक फायदा ये था कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे रोजगार प्रोत्साहन योजना थी जिसके अंदर जो है बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे हेल्प की गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ शेयर जो अमाउंट है वो एक्चुअली सरकार दे रही थी, तो यहाँ पे डुअल बेनिफिट नजर आ रहा था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। और ये पर्टिकुलर स्कीम जो यहाँ पे ऑपरेशन में शुरू हुई थी 2016 में अगस्त में। अब बात करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, आप यहाँ पे एक एक करके पढ़ सकते हैं। जिसकी मेक इन इंडिया की स्कीम है जिसके अंतर्गत यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है जॉब क्रिएशन और यहाँ पे जो चीज़ों को बढ़ाने की शुरुआत की है। अगली बात करते हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना है जिसके अंतर्गत यहाँ पे पूरा फोकस ये कि यहाँ पे आप ना सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके साथ साथ जो स्किल्स की आपको जरूरत है वो भी जो आप यहाँ पे काम करके सीख सकते हैं। एक और स्कीम थी जिसका नाम है उस्ताद स्कीम, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं जिसकी यहाँ पे फुलकारी है, एम्ब्रॉयडरी है, तो ये सारी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अगली बात करते हैं नया मंजिल, तो यहाँ पे जो है मदरसा के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ स्किलिंग दी जाएगी ताकि जो है आप मेन स्ट्रीम में जो है ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही रहेगी कि ये जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या ये सच में उसी की जरूरत है हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर जो है सवाल बन जाता है। अगली बात करते हैं यहाँ पे स्किल और जो अप्रेंटिसशिप है उस पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तीन मेजर इश्यूज यहाँ पे खड़े होते हैं कि यहाँ पे कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्वालिटी कैसे होने वाली है, और जो क्वांटिटी होगी तो क्या वो ऑप्टिमम है या नहीं है। उसके साथ अगर बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर यहाँ पे असली जो चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग और यहाँ पे हार्ड स्किल्स, जो एक्चुअली गूगल के पास नहीं है, आपके पास होंगी जब आप यहाँ पे जो है स्किल्स को एक्वायर करेंगे और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उन्हें हमें यहाँ पे मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जो है ये सारी स्कीम्स यहाँ पे सारी जो मिनिस्ट्रीज है या साइलोस में वर्क करना कम करे और इंटीग्रेटेड मैनर में जो है काम करना शुरू करे। तो उन्हीं का एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है और बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो इन दोनों को मर्ज करके बोला जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर जो है ये सारे जो यूथ है इनका डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो और कौन कौन से स्किल्स और जो अप्रेंटिसशिप इन्होंने किए हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे जानी जा सके। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर पॉलिसी रिलेटेड, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है कि यूजुअली जो सरकार है इसने बहुत सारी पॉलिसीज पिछले साल भी यहाँ पे जो है रिलीज की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस आपको नजर आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं ताकि जो है इन सारे जो यहाँ पे लैकुनाज है उन्हें यहाँ पे हम हटा सके। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि जितनी भी स्कीम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आयुष्मान भारत की, यहाँ पे पीएम किसान की, तो उनमें हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, तो सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें आयुष्मान स्कीम की जहाँ पे हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप
आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स है तो वहाँ पे जो है इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपको जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट करवानी है, क्या वो मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने की मिलेगी। तो इसी वजह से जो है पब्लिक यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, पब्लिक स्कूल्स में, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पे करने की जरूरत है, उस पर हम फोकस करेंगे। अगला होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, उसी तरीके से स्टेट्स ने भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मैच नज़र नहीं आता, तो इसी वजह से जो है दोनों को इंटीग्रेट होकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है जब पीएम किसान स्कीम आई थी तो बहुत सारे स्टेट्स ने बोला था कि वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसी स्कीम्स एग्जिस्ट करती है और वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही थी। तो इसी वजह से जो है कंप्लायंस नजर आना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में। अब यहाँ पे सबसे पहला फोकस ये किया गया है कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे वेलफेयर पॉलिसी की, तो तीन चीजों पे फोकस रहता है कि कैसे हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पे जोड़ के रख सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आधार एनेबल हम यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, तो इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सब में प्रॉब्लम यही आता है कि बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। हम टेक्नोलॉजी की बात तो बाबा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है काफी अच्छा काम कर सकती है। तो एंड ऑफ द डे हम बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काफी करप्ट है, वो है ये है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक से बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, यहाँ पे अवेयरनेस जो है क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो इन सारी स्कीम का वैसे कोई फायदा होने भी नहीं वाला है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है काफी अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। इसी वजह से उन्हें जो हम यहाँ पे सेंसिटाइज करते हैं सारी स्कीम्स के बारे में। इवन यहाँ पे आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो है जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली बताया जा रहा है कि कैसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स वर्क करती हैं, कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम यहाँ पे जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके बारे में जो है इन्हें सेंसिटाइज किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आ जाते हैं जो ऑन पेपर काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की इंप्लीमेंटेशन में, तो यहाँ पे जिन हॉस्पिटल्स में ये लोग जा रहे हैं, मान लीजिए किसी पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे जो हेल्थ केयर है हमारी कंट्री में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतने सारे डिवाइसेज, उतनी ज़्यादा स्किल होने चाहिए डॉक्टर के पास, इतने मैन पावर अवेलेबल होने चाहिए जो यहाँ पे नहीं आपको नजर आएंगी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि अगर हम कंपेयर करते हैं जब यहाँ पे ओबामा केयर के साथ जो यहाँ पे यूएस में आपको नजर आती है, वहाँ पे कम स्टाफ की जरूरत है क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रेगुलेट होती है, प्राइसिंग हर चीज़। लेकिन अगर हम बात करेंगे वहाँ पे और हमारी कंट्री में, तो हमारी ये जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, हमें यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर की, तो उसे जो हमें यहाँ पे दिमाग में रखने की जरूरत है। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है पब्लिक सिस्टम में, वो जो हमारा पहला यहाँ पे प्रायोरिटी होना चाहिए बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दीज पर्टिकुलर स्कीम्स। अब बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट के यहाँ पर रिलेशन के बारे में। ऑलमोस्ट 400+ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है और यहाँ पे स्टेट की भी बहुत सारी स्कीम्स है। अब सब जो स्कीम्स है साइलोस में वर्क कर रही है, इसी वजह से हम यहाँ पे इवैल्यूएट भी नहीं कर पाते कि कौन सी स्कीम अच्छी से चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। और क्योंकि हम यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं पता लगा सकते कि कब जो है कौन से टाइम पे कौन सी स्कीम्स को बंद करना है और कौन सी स्कीम्स में यहाँ पे फोकस करना है। और क्योंकि इवैल्यूएशन नहीं हो पाता, इसी से बोला जा रहा है कि सारी जो स्कीम्स है इन्हें यहाँ पे जो है इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि जितनी भी चीज़ें साइलोस में वर्क कर रही है उन्हें हम यहाँ पे अवॉइड करें और अच्छे से इवैल्यूएशन कर सके जो एग्जिस्टिंग स्कीम है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बहुत सारी जो स्कीम्स है ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि पीएम किसान स्कीम बहुत सारी स्कीम्स का ओवरलैप करी जो स्टेट लेवल पर चल रही थी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि ऐसे ओवरलैप को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एनफ डेटा होना चाहिए और जो डेटा ड्रिवन डिसीजन है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एक और फाइनली पॉइंट यही बताया जाए कि कोई भी जो सरकार है ये लर्निंग क्राइसिस जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है उसे जो है अवॉइड नहीं कर सकता है। इवन रिसेंटली जो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो ड्राफ्ट बनी है उस पर भी जो है लर्निंग क्राइसिस पे जो है फोकस किया गया है, तो सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो आर्टिकल में आप देखेंगे वो बेसिकली यहाँ पे इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है जो बेसिकली डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है वेलफेयर पॉलिसी से। अगला आर्टिकल काफी छोटा सा है, हम यहाँ पे समझेंगे लेबर इंटेंसिव पॉलिसी के बारे में। तो ऑथर ने यहाँ पे पूरा फोकस ये किया हुआ है कि यूजुअली हम सिर्फ बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करना है, लेकिन कभी भी जो हम लेबर इंटेंसिव जो वर्क है उस पर तो फोकस करते ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि अगर बात करते हैं टेक्सटाइल की, लेदर इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर जो लेबर इंटेंसिवनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपको बात करने हैं कि क्यों जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे ज्यादा जो है फोकस नहीं किया जाता किसी भी यहाँ पे जो है इलेक्शन में। सबसे पहला रीजन ये भी है कि एज अ जनता जो है हम लोग कभी डिमांड नहीं करते कि हमको जॉब चाहिए। यूजुअली आप डिमांड देखेंगे मिडिल क्लास के लिए, लेकिन वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, लेकिन यहाँ पे इन जनरल जो है जॉब्स की डिमांड नहीं की जाती है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि कास्ट, रिलीजन, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जॉबलेसनेस से। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे जो पार्टीज है वो भी जो है इस पर फोकस नहीं कर पाती हैं। अगली बात करते हैं कि जो स्टेट की कैपेसिटी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले अगर हम बात करते हैं जब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, तब जो है स्टेट काफ़ी ज़्यादा एम्पावर थी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स यहाँ पे जो है थे कि ये जो है चीज़ों को मैनेवर कर सके। लेकिन यहाँ पे रीसेंट टाइम्स में देखा जा रहा है कि स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा उनके पास फंडिंग कम होती है, तो इसी वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए।
इवन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1991 के बाद यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला था कि हमारे पास काफी ज्यादा लेबर अवेलेबल थे, तो यहाँ पे हमें इससे क्यों लेना था कि हमारे पास, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने सारे लेबर है तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जो कि हमने नहीं किया। और एक और चीज आप देखते हैं कि क्यों ऐसी चीजों पे फोकस नहीं किया था, क्योंकि बिग कंपनी से जो है आपको रेंट मिलता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे वो काफी ज्यादा मनी इन्फ्लो करता है पॉलिटिकल पार्टीज में, इसी वजह से देखने को मिलता है कि जो लेबर इंटेंसिव वर्क है जैसे कि टेक्सटाइल हो सकता है, इवन यहाँ पे अगर बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री की, तो वहां से इतना पैसा नहीं आ पाता है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को, इसी वजह से वो यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे लेबर इंटेंसिव के ऊपर डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर लेबर इंटेंसिव अगर जो भी चीजें करते हैं, जिसकी मान लीजिए आप टेक्सटाइल बना रहे हैं तो उन्हें हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इसे अगर हमें अचीव करना है तो बहुत सी चीजों पर वर्क करना है, जिसकी सबसे पहले जो है हमें अपने लॉजिस्टिक पे काम करना है, ताकि जो है यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा सके, टाइम और कॉस्ट जो इन्वॉल्व है लॉजिस्टिक्स में उसे हम यहाँ पे रिड्यूस कर सके। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेग्रेसिव लेबर लॉस है उन्हें यहाँ पे हटाने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने जो लेबर से उन्हें यहाँ पे जो है एम्पावर करने की जरूरत है, अगर यहाँ पे जो है लेबर इंटेंसिव जो रिफॉर्म्स है ये अगर वर्क करे तो। उसी के साथ साथ अगर डेटा पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आपको कंट्रीब्यूशन नजर आएगा हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, जॉब क्रिएशन में, तो वो सबसे ज्यादा आपको कंस्ट्रक्शन में नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन भी काफी लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर लेबर से काफी ज्यादा काम करवाया जाता है, तो आपको समझना है कि लेबर इंटेंसिव कहाँ का इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उस पर क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे तो वो काफी लेबर इंटेंसिव रहता है, लेकिन उस पर जो है ग्रोथ नजर नहीं आ रही हमें रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि हमने कभी फोकस किया ही नहीं है इतना। अगला आर्टिकल बेसिकली यूएस के रिलेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि यूएस ने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो है यहाँ पे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इवन बात करते हैं ईरान की, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, तो इनके सब के साथ जो रिलेशन उन्होंने खराब किए हुए हैं। इवन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो बाकी कंट्रीज को बोला गया कि ऑयल इंपोर्ट ना करें ईरान के साथ। इवन यहाँ पे जो है मसूद अजहर के केस में यूएस ने काफी अच्छा काम किया था, यहाँ पे उनके साथ बात कर रहे थे चाइना के साथ, लेकिन आपको समझना है कि यूएस, सऊदी, यूएई, तो इन तीनों का जो नेक्सस आपको नजर आएगा यहाँ पे, तो वो जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में काफी जो है यहाँ पे चीजों को चेंज कर सकता है। इवन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो है यूएस बहुत सारे जो बॉम्ब्स की टेक्निक्स है ये एक्चुअली सऊदी को दे रहा है। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो उनका इस्तेमाल यमन में जो सिविल वॉर चली उसे एक्सप्लेन करने के लिए बनाएंगे तो जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे वर्ल्ड में। उसके साथ साथ आप यूएस और इसराइल की बात करेंगे तो काफी अच्छा नेक्सस बन जाता है इनका भी, इसके साथ यहाँ पे जो है पैलेस्टीन पे काफी ज्यादा जो है अटैक्स कर सकते हैं, तो वही सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में बेसिकली। अब चलते हैं यहाँ पे पेज वन की तरफ, जहां पे मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी पे जो है फिर से यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल में ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो 12 फेब का जो ऑर्डर था जिसे बेसिकली क्वैश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको बेसिकली फिर से रीडिफाइन करने की बात की जा रही है कि यहाँ पे थोड़े से और जो चेंजेस है वो यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये था पहला यहाँ पे न्यूज था। अगला न्यूज ये था कि यहाँ पे जो डीएचएफएल का जो यहाँ पे क्राइसिस हुआ है, क्योंकि ये भी जो है अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को पे बैक नहीं कर पाए थे, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो 12 फेब का ऑर्डर था क्या, इस ऑर्डर में कोशिश ये की जा रही थी कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास यहाँ पे स्कीम्स थी वो काफी ज्यादा स्लो थी और काम नहीं कर पाई थी, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल स्ट्रक्चर असेट्स, तो ये सारी चीजें इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो 12 फेब का जो ऑर्डर था उसमें ये बोला गया था कि अगर आप यहाँ पे एक दिन भी अगर आप अपना जो है जो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है अगर वो नहीं कर पाते तो आपको जो डिफॉल्ट की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या क्या बोला, सबसे पहले तो ये बोला कि यहाँ पे जो है अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि जो पावर कंपनीज है ये जो है इनके ये लोग पे बैक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डिस्कॉम कंपनीज ठीक से पे नहीं कर पाती है, यहाँ पे कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि अंडर आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनइक्वल जो बॉडीज है उनको आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे इस आरबीआई सर्कुलर की, तो यहाँ पे अगर सेक्शन 35A इसके अंदर इनको पावर मिलता है, लेकिन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसमें जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें ये बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके यहाँ पे जो है ऑथराइजेशन जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं लिया गया था, इसी वजह से जो है इस सर्कुलर को क्वैश कर दिया गया था। अब बात करते हैं उसके बावजूद भी जो आरबीआई ने बहुत सारी चीजें रिकमेंड की, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीआर की, इसका मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी एनबीएफसी एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में उनको भी इसलिए इस रेशियो को जो है फॉलो करने की जरूरत है और टाइमली मैनर में जो है इनकी जो क्वालिटी की असेट्स है तो उनको भी जो है यहाँ पे रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो इसका नाम आप देख सकते हैं HQLA, यानी कि यहाँ पे जो इनकी हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स है उन्हें यहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा ऑन अ टाइमली मैनर, और जो रिपोर्ट है बेसिकली आरबीआई को दी जानी चाहिए ताकि जो है ये देख सके कि कौन कौन सी एनबीएससी जो है ठीक से काम कर रही है और कौन सी नहीं कर पा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे विद इन एनबीएससी जो यहाँ पे एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। अब इसका काम क्या होगा, ऑन अ वेरी टाइमली बेसिस ये देखेंगे कि कितना यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कंटिजेंसी फंडिंग प्लान बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई भी एनबीएससी यहाँ पे जो है अपना शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है वो पे बैक नहीं कर पाता है तो इसके पास एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या क्या यहाँ पे प्रावधान है, तो इसी वजह से यहाँ पे अलग से कंटिजेंसी प्लान भी बनाया जाएगा।
अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे रिसेंटली जो क्राइसिस हुआ है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेम चीज हुई है यहाँ पे, जो है इन्होंने जो शॉर्ट टर्म में जो लोन्स लिए हैं उन्हें एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी पे बैक नहीं कर पाए। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इनकी जो यहाँ पे कमर्शियल जो पेपर्स थे उनकी जो रेटिंग थी वो रिड्यूस हो गई है। अब यहाँ पे जितने लोगों ने लेंड किया था तो उनके दिमाग में काफी सस्पिशन है कि क्या अभी भी ये जो NBFC है ठीक से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, तो उसी वजह से जो यहाँ पे पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। अब कमर्शियल पेपर की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली अनसिक्योर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज किया जाता है ताकि जो यहाँ पे लेंडर से पैसा लिया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि वो कौन सा स्टेट है जिसे रिसेंटली जो है 287 मिलियन डॉलर का लोन लिया मिला है कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, ताकि जो अपनी स्टेट की हेल्थ सिस्टम को जो है रिफॉर्म कर सके। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेट है ये वो है तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में ये काफी अच्छा काम करता है हेल्थ और एजुकेशन में, और इवन यहाँ पे रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी नीति आयोग के द्वारा जो हमने डिस्कस की थी एक्चुअली, जिसका नाम है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें भी अगर बात करेंगे तो थर्ड रैंक में थी तमिलनाडु। यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में आप देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग की उसमें टॉप पे आपको केरला नजर आएगा, पंजाब नजर आएगा और तमिलनाडु, और उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है इस हेल्थ केयर को प्रोग्राम को जो है हेल्प करने में वर्ल्ड बैंक भी काम करने वाला है। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप जान सकते हैं ताकि जो है आप हेल्थ के बारे में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको जो थोड़ा सा फोटो पॉइंट यहाँ पे मिल सके। अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट का टाइटल ही था हेल्थ हेल्थी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। अब इसमें हुआ ये था कि पूरी कोशिश ये थी कि हर यहाँ पे जो स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज है उन्हें इक्वल तरीके से जो है इवेल्युएट करना है। तो इसी वजह से लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉल स्टेट, यूनियन टेरिटरी इस तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया। और क्योंकि तमिलनाडु लास्ट स्टेट में आता तो उसमें जो है हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस, इन्फॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेस, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करके जो है ये कॉम्पिटेंस इंडेक्स बनाया गया था। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ नजर आएगा। वर्ल्ड बैंक बेसिकली वाशिंगटन में नजर आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दो इसके अंदर इंस्टीट्यूशन नजर आते हैं, एक होती है IBRD और दूसरा होता है IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इसका पूरा काम क्या है, इसका पूरा अगर बेसिक मैंडेट की बात करते हैं तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ इनका एम है कि कैसे हम यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे AN-32 से रिलेटेड, आप जानते हैं कि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 125 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन AN-32 को जो हम अभी भी यहाँ पे लोकेट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का नाम है SABRE-8 ELT, यानी कि यहाँ पे जो है पूरी कोशिश की जाती है कि सर्च एंड रेस्क्यू के जो टाइम में जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर मान लीजिए कि आप जो है कहीं पे आपका जो एरोप्लेन है वो कहीं पे गिर जाता है, तब जो है आप बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे जो सिग्नल छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आप बेसिकली 36 आर तक ही वर्क करती है, उसके बाद जो इसकी बैटरी डाई डाउन हो जाती है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में और जान लेते हैं, इसका नाम है इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। इससे जो है अगर कोई भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट अगर नीचे गिर जाता है, कोई सबमरीन यहाँ पे नीचे है, तो वो जो है इसको ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, तो उसी वजह से जो है हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम अभी तक नहीं पता लगा पाए कि AN-32 एग्जैक्टली कहाँ पे क्रैश हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि क्यों जो है आप अभी भी यहाँ पे 30 ईयर्स ओल्ड विंटेज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से आप इसका एक कंपैरिजन कर सकते हैं इंडियन नेवी के साथ, क्योंकि आपको पता होगा 2014 में जो है बहुत सारे सबमरीन वेसल जो है यहाँ पे डूब रहे थे, बहुत सारे बैटरी लीकेज देखने को मिले थे। उस टाइम पे जो एडमिरल हुआ करते थे जिनका नाम है DK जोशी, तो उन्होंने यहाँ पे रिजिग्नेशन किया था और ये बोला था कि अगर मैं अपने मेन की सेफ्टी को अश्योर नहीं कर सकता तो मेरे एडमिरल होने का क्या फायदा है। उससे पहले भी इन्होंने बहुत बार कोशिश की थी गवर्नमेंट के साथ कि कैसे जो यहाँ पे को लेकर आ सके, नई नई डील कर सके, ताकि जो है हमारे पास यहाँ पे सबमरीन हो, यहाँ पे अच्छे वेसल्स हो, ताकि जो हमारे जो मेन है यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे अश्योर हो सके। लेकिन क्योंकि वो इस पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, इसी वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी यहाँ पे गलती मानी कि अगर वो यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनका एडमिट होने का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। तो सेम चीज यहाँ पे आपको समझनी ये है कि हमें ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स की क्या जरूरत है, ताकि अगर हमें रिफॉर्म करनी है तो अगर हमें रिफॉर्म करने हैं तो हमें अभी सही टाइम है, हमें यहाँ पे और ज्यादा जो एक्शंस है उन्हें उनके लिए जरूर वेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अगला आर्टिकल फिर से यहाँ पे इमरान खान ने यहाँ पे लेटर लिखा है मोदी जी को, यह बोला है कि वो जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और जो बाकी टेररिज्म से रिलेटेड है उन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो SCO की मीटिंग होने वाली है जो यहाँ पे डिसाइडेड फॉर June 13-14, तो वहाँ पे जो है इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में कोई यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। अब यहाँ पे SCO के बारे में आप जान सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे रशिया आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान आपको नजर आएगा, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है, पाकिस्तान है और यहाँ पे चाइना नजर आएगा। तो ये सारी जो कंट्रीज है आपको SCO में नजर आएंगी। अब इन सब का जो मैंडेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप फिर से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और एक और चीज आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उन पे क्वेश्चन एक्चुअली बन चुका है, तो वो जो चार ऑब्जर्वर स्टेट्स है उनका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है।
अगला क्वेश्चन है कि बताइए आरबीआई ने एक नया पैनल बनाया था ताकि जो है लोकल रिटेलर्स और बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स जो है इनका यहाँ पर जो रीच है ये काफी ज्यादा बढ़ाया जा सके। ये हमने एक्चुअली आर्टिकल में भी डिस्कस किया हुआ है, ये बेसिकली नंदन निलकानी के अंदर यहाँ पे इसे पढ़ियो बनाया गया था। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है, तो यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये सारी चीजें आती है, आधार बेस्ड अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आती है, ई वॉलेट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आता है, अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आती है। एक और चीज जो है वो है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जैसे यूएसएसडी भी कहते हैं, जो आप ये नंबर यूज करके कर सकते हैं, इन सब चीजों को जो है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर माना जाता है। अब ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप यहाँ पे बेसिकली रिवाइज कर सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया था कि यहाँ पे टारगेट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जो है आउटरीच बनाने की जरूरत है ताकि हर 2-3 किलोमीटर में जो है ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हो जहाँ पे जो है आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स कर सकें। उसी के साथ हमें यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसे काफी रोल प्ले करना चाहिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई फीस पे करनी है तो उस पर जो है अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको जो है वो फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम पे होते हैं जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो मंथली बेस पे करना होता है तो उन सब को जो डिजिटलाइज किया जा सकता है। उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसके लिए डिजिटल सिस्टम की भी जो बात की गई है तो वही सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसका जो पीडीएफ है या फिर पीपीडी जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है या मैं आपको कमेंट बॉक्स में दिला दूंगा। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है कि यहाँ पे एक रेप केस था जिसमें जो है जो एविडेंसेस उन्हें कंप्लीटली हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा। तो यहाँ पे हुआ ये था कि फिर जो वर्डिक्ट में चेंज कर दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो अब यहाँ पे पे बैक करना होगा टू दी विक्टिम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में जो है अंडर द पुलिस ठीक से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट में आपको बताना चाहिए कि सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हरासमेंट इन सब की जो डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई थी और आप जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 जो है इनके साथ कभी भी जो है ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एक्ट के बारे में हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी हुए थे क्योंकि यहाँ पे पहले जो जनरल न्यूट्रल नहीं था तो अब यहाँ पे मेल और फीमेल इररिस्पेक्टिव जो है अगर आप यहाँ पे एक बच्चे हैं तो आपके साथ कोई भी सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता है, तो वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन ऑफ एग्रीवेटेड ऑफेंसेस तो उसको और ज्यादा जो है डिटेल में बताया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेज या पब्लिक सर्वेंट जो है यहाँ पे सेक्शुअल हैरेसमेंट करता है तो वो एग्रीवेटेड ऑफेंस के अंदर आ जाता है और उसके अंदर जो है डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। अगली बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पॉस्को एक्ट है ये लाया क्यों गया था। अब आपको पता होगा जब केदारनाथ में फ्लड्स हुए थे उसके बाद जो है यंग गर्ल्स के बहुत ज्यादा जो है रेप के केसेस यहाँ पे बाहर आ रहे थे तो इसी वजह से बोला गया था कि यहाँ पे जो है हमें जो पॉस्को का जो एक्ट है इसे और ज्यादा जो है न्यूट्रल और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इवन अगर बात करते हैं कि क्या इसने डिटरेंट का काम किया है नहीं किया है तो आधे से ज्यादा जो यहाँ पे पॉस्को के जो यहाँ पे केसेस आए हैं उसमें जो है कन्विक्शन नहीं देखने को मिला, ओनली 3% केसेस में जो है कन्विक्शन देखने को मिला है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है जो पॉस्को का एक्ट है इसे और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है और ना सिर्फ यहाँ पे एक्ट को स्ट्रांग बनाना है इवन जो है लॉ की जो एनफोर्समेंट है उसे स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि वो कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने रिसेंटली जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को यहाँ पे किया था। यहाँ पे बेसिकली क्वाड की बात की जा रही है तो इसका आंसर बेसिकली इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। अब क्वाड के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं और चीजें जैसे कि आपको पता है कि इनिशियली जब इसे फॉर्म किया गया था तो इसे बेसिकली बात कर रहे थे कि चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी जो है क्वाड एग्जिस्ट करता था लेकिन किसी और काम के लिए हुआ करता था। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं तो ये जो बेसिकली साउथ चाइना में जो साउथ चाइना सी का एक कॉन्फ्लिक्ट है उसी तरीके से चाइना जिस तरीके से अपनी जो हेजिमनी बढ़ाता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली इस बॉडी को बनाया गया है। अगला बेसिक निपा वायरस से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको पता है कि एक पॉजिटिव केस के बारे में डिस्कस किया था लेकिन उसके बाद जो है जितने भी लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है उनके ऊपर जब टेस्ट किया गया तो ज्यादातर नेगेटिव आ रहे हैं, काफी अच्छी बात है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसने बहुत सारे साइंटिस्ट को जो है अलग अलग यहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया उन पर यहाँ पे भेजा गया है। अब इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में समझ लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, तो ये बेसिकली अपेक्स साइंटिफिक बॉडी हमारी कंट्री में फॉर द फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1911 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत और उसको ये जो गवर्निंग बॉडी है इसको हेड किया जाता है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। और अगर मैंडेट की बात करते हैं तो हर वो प्रायोरिटी जो कंट्री की रहेगी वही प्रायोरिटी जो है इस पर्टिकुलर बॉडी की भी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए साइक्लोन मैन मृत्युंजय महोपात्रा इज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, तो इन्हें बेसिकली चीफ बनाया गया आईएमडी का। अब आपको समझना है कि रिसेंटली जो यहाँ पे साइक्लोन फानी भी आया था तो उसने प्रेडिक्शन में काफी हेल्प की थी इन्होंने, उसके बारे में और चीजें आप यहाँ पे जान सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर बात करते हैं आईएमडी की तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्क करता है किसके अंतर्गत? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। काम क्या है? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करना, सिस्मोलॉजी, वेदर, क्लाइमेट रिलेटेड जो फोकास्ट रिसर्च है उस सारी चीजें जो ये पर्टिकुलर बॉडी करता है। इसे फाउंड किया था 1875 में, आप देख सकते हैं ब्रिटिश एरा का ये पर्टिकुलर बॉडी है।
अगला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया और भूटान के रिलेशन से रिलेटेड आया है। आप जानते हैं जयशंकर जो है भूटान की विजिट पे गए हुए हैं, और हमारा फोकस यूजुअली भूटान की पर्सपेक्टिव में यही होता है कि हम कैसे जो है वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे कैसे कंज्यूम करना है। उसी तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा लोन जो है यहाँ पे उन्हें देते हैं, उनका जो 5 ईयर प्लान है उसमें काफ़ी ज़्यादा हम हेल्प करते हैं। अब उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में। हमारी जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 से जो है तब से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती गई है। उसे हमने फिर यहाँ पे फिर से रीनेगोशिएट किया है, जहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल रिलेशन और जो यहाँ पे आर्म इंपोर्ट पे जो परमिशन की जरूरत होती थी तो उन्हें हम यहाँ पे हटा चुके हैं। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि भूटान जो है हमारा ऑल वेदर फ्रेंड भी रहा है। उसी के साथ साथ उनकी जो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उसमें हम उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। और ये पूरा रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पिछले साल है हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है गोल्डन जुबली यहाँ पे कंप्लीट की थी व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद भूटान। अगली बात करते हैं भूटान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट की तरह काम करता है भूटान। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं डोकलाम के टाइम पे जो चुंबी वैली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, और इवन उसके ठीक नीचे आपको जो चिकन नेक नजर आएगी उसको प्रोटेक्ट करने में जो है भूटान हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगली बात करते हैं जो इंसर्जेंसी उसे रिड्यूस करने में भूटान ने काफ़ी हेल्प की है। इवन जो है यहाँ पे बात करेंगे OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसमें भी जो है भूटान हमारा यहाँ पे साथ देता है। अगली बात करते हैं उसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे जो है डिप्लोमेटिक टाइज भी यहाँ पे एसोसिएटेड है यहाँ पे। अगला एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है BBIN, जिसके अंदर बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है मूवमेंट ऑफ पैसेंजर और जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है उससे भूटान कुछ नहीं है, इसी वजह से BBIN इनिशिएटिव जो है ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम UPSC का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप दो स्टेटमेंट देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो परचेसिंग पावर पैरिटी है ये बेसिकली एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा करेक्ट है। और अगली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ PPP इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि हम जो है थर्ड है व्हेन इट कम्स टू PPP। तो इसी वजह से जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस हिसाब से वन यानी कि जो वन ओनली जो है यही करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप PPP के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, हमारे नीचे कौन है वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी जापान यहाँ पे है और ऊपर चाइना और US नजर आएगा। अगला आर्टिकल यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज से लेफ्ट साइड पे ये है, जो थेरेसा मे जो रिजाइन किया है ये जो अब इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जब तक कोई नई लीडर नहीं आता तब तक जो है ये चीज़ों को हैंडल करने वाली है। राइट साइड में जो मैंने आर्टिकल बताया था कि यहाँ पे US और सऊदी जो कोलैबोरेट कर रहा है ताकि जो है यहाँ पे हाईटेक यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है US बॉम्ब्स का जो है इन सऊदी अरेबिया को दे सके। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सऊदी अरेबिया इन सारे बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है यमन में जो सिविल वॉर चल रही है। अगला आर्टिकल यहाँ पे इकोनॉमिक पेज पे हुवावी से रिलेटेड आया है। यहाँ पे आप जानते हैं कि हुवावी पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बैन लगाए गए हैं US के द्वारा, क्योंकि इन पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये चाइना की जो गवर्नमेंट है उनके इशारों पे काम करती है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको भी वॉयलेट करता है। तो उसी के यहाँ पे संदर्भ में यहाँ पे रशियन ने सॉलिडारिटी दिखाई है चाइना के साथ। अगला आर्टिकल फिर से बेसिकली NBFC के क्राइसिस के बारे में ही आया हुआ है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप जानते हैं कि RBI ने जो है रेपो रेट पे कट दिया है और तीसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है इस रेपो रेट कट के देने के बावजूद भी जो है यहाँ पे हालत जो है यहाँ पे अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जो है मूव होना चाहिए इवन टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो है इसे ट्रांसमिट कर सके। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ग्रोथ में नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि NBFC जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इश्यूज फेस कर रहा है इस टाइम पे। इवन यहाँ पे अगर बात करेंगे रिसेंटली DHFL का क्राइसिस हो गया, उसी तरीके से हाउसिंग लोन के क्राइसिस हो रहे थे, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बहुत सारे क्राइसिस इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो सिर्फ एक स्टेप से यहाँ पे काम नहीं होने वाला है, उसी के साथ आपको NBFC को कंट्रोल करना है और जो फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग चीजें हैं तो उन्हें भी रेगुलेट करना शुरू करना पड़ेगा अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करनी है। सिर्फ रेपो रेट कट करने से चीजों को जो है इंप्रूवमेंट आप नहीं देख पाएंगे, वही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। इवन अगर बात करेंगे NPA की, वो भी सबसे बड़ा इशू है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और यहाँ पे जो हमारा IBG का कोड है उसको कैसे हम ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे NBFC के बारे में बेसिक डिटेल्स आप जान सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको आर्टिकल में भी बताया था, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं बेसिकली, और यहाँ पे जो NBFC और बैंक्स के बीच में डिफरेंस है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जिसको आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन बताइए मार्शल आइलैंड की कैपिटल करेंसी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है बताइए वियो चिदम्बरम पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।